वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय ने बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में नियुक्ति पर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया। भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने विगत कुछ दिनों पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया था, जिसमें गब्बर भाटी, महेश बैरागी, धीरज आंजना को उनकी टीम में प्रदेश समिति सदस्य मनोनीत किया था। उज्जैन से जुड़े इन तीनों युवा नेतृत्व का सम्मान समारोह मंगलनाथ पर रखा गया। श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की ओर से सभी नवनियुक्त प्रदेश समिति सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। इस समारोह में वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय के सभी सदस्यों के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल पुजारी इंदौर, शिल लश्करी, राकेश बैरागी प्रदेश उपाध्यक्ष और अतिथि के रूप में राजकुमार आचार्य, पंकज साधु, रवि बैरागी, अनिल धर्मे, एलडी बैरागी, एसएन शर्मा आदि उपस्थित थे। नवनियुक्त सदस्यों का शॉल, श्रीफल और हार पहनाकर सम्मान किया गया। इस आयोजन में नरेंद्र बैरागी, रवि बैरागी, सचिन बैरागी, आशीष बैरागी, जीवन बैरागी, विजय बैरागी, तुषार बैरागी, अखिलेश बैरागी आदि उपस्थित थे। मैं उनका आभार मानूंगा और उन्होंने वैष्णव बैरागी समाज को शिरोधार्य करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रदेश कार्य समिति में लिया। उसके बाद द्वितीय पंक्ति में हमारे शहर के धीरज जी आंजना और योगेश जी भाटी, जो गब्बर भाटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन दोनों को भी कार्य समिति में लिया। इन तीनों भाइयों का हमको स्वागत करना था, अभिनंदन करना था, क्योंकि वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय ऐसा समाज है जो सभी के भले की बात करता है। किसी की कभी आज तक ऐसा नहीं कि भाई केवल वैष्णव बैरागी समाज का भला हो। सर्वे भवंतु सुखिना की बात करने वाले वैष्णव बैरागी समाज ने आयोजन रखा है और सभी चतुर्थ वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय उज्जैन मध्य प्रदेश उज्जैन की जो शाखा है, इस शाखा की तरफ से रखा गया पूरा स्वागत एवं विक्रांतित मंडल और उनके भी सहयोगियों की तरफ से रखा गया। संपूर्ण बैरागी समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनने मुझे और माननीय बैरागी जी, भाई साहब महेश बैरागी जी, जो दोनों हम नवनियुक्त प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने हैं, उनका पूरे समाज की तरफ से हमारा स्वागत किया है। सर्वप्रथम बैरागी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय बात कि आगामी चुनाव भी हैं, चुनाव को देखते हुए पार्टी ने मुझे भी जिम्मेदारी दी है, भाई साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है। हम तो सैनिक हैं साहब, भारतीय जनता पार्टी के, जो जहाँ जैसा आदेश करता है हम वैसा काम करते हैं और मैं बिल्कुल तहे दिल से पार्टी का धन्यवाद।